तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो कितनी भारी भरकम प्रोसेस होती है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डेवॉप्स जैसे मेथोडोलॉजीज और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब डेवॉप्स के अंदर ही खूब सारे फेजेस होते हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का, जो हमारी मदद करता है बाकी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट्स को एक साथ लाने में और उनको मैनेज करने में। तो इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जेंकिंस करके। अब जेंकिंस एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है जिसके बारे में हम लोग इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे, और ये है जेंकिंस का ट्यूटोरियल हिंदी में। चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ग्रेट लर्निंग का बहुत ही बड़े इनिशिएटिव के बारे में। हम लोग 80 से ज्यादा फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, और आपके कंप्लीट करने में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीटली फ्री के लिए। और अगर आप चाहें तो आप इसको एक मोबाइल ऐप से भी पढ़ सकते हैं, वो है ग्रेट लर्निंग का मोबाइल ऐप, और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में हम लोग जेंकिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो एक और डेवॉप्स का फेज है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते हैं जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्ट्स हैं। हम लोग सारे पार्ट्स को लेते हैं और उनको एक साथ जोड़ देते हैं। हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू उनको कंट्रोल करते हैं, बेसिकली जोड़ते कहने के लिए है, पर हम लोग बस उनको कंट्रोल करते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू। स्पेशली टूल्स जैसे आपके जेंकिंस हो गए, बैम्बू हो गया, टीम सिटी हो गई, आपके कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं, और हम लोग जो टूल पढ़ेंगे वो है जेंकिंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्यों, कंपनीज अपने पाइपलाइंस में सब चीज को जोड़ती क्यों है? तो अगर हम लोग ये स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन देखें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जितने भी डेवलपर्स हैं वो सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं, और जब वो अपना कोड लिख लेते हैं तो वो अपना कोड को पुश कर देते हैं। वो कोड अपना पुश करते हैं सोर्स कोड मैनेजर पे, और सोर्स कोड मैनेजर होता है वो उस कोड को पकड़ के रखा होता है, स्टोर करता है, और फिर जब टाइम आता है तो वो कोड जाता है टेस्टर के पास। अब टेस्टर क्या करता है, टेस्टर ये कोड लेके उसको टेस्ट करता है, बाकी जितनी भी चीजें उनके लिए, जैसे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है, यूनिट टेस्टिंग करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, बहुत सारी टाइप की टेस्टिंग करता है वो इस कोड के ऊपर, और उसको लगता है कि अगर ये कोड जा सकता है डिप्लॉयमेंट के लिए तो उसको भेज देता है। नहीं, अगर उसको लगता है कि कुछ गलतियां हैं इसमें, कोई बग्स हैं, इश्यूज हैं जो हम लोग को फिक्स करनी है, तो टेस्टर डेवलपर को नोटिफाई करता है और डेवलपर फिर से ये साइकिल को रिपीट करता है, जिसमें डेवलपर फिर से कोड लिखता है, फिर से सोर्स कोड मैनेज पे जाता है, फिर से टेस्टर के पास जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस हैं वो मैनुअली हो रही हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, अदर देन कि हम लोग यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजर को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि सोर्स कोड मैनेजर पे आप कोड को पुश करते हैं, पर तब भी पूरा कंटिन्यूस और ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है इसमें। आप लोग इसमें ये लोग मैनुअली पुश करते हैं कोड को, मैनुअली पुल करते हैं, मैनुअली टेस्ट करते हैं, मैनुअली डिप्लॉय करते हैं, तो हर चीज जो हो रही है वो मैनुअली हो रही है। और जब आपका मैनुअल हर चीज होती है तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं एरर्स आने के। एरर्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम लोग एरर्स करते ही हैं हमेशा, कभी कभी कोई गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी मन से एक बात उठ गई तो हम लोग ने उसको मिस कर दिया डिप्लॉयमेंट के टाइम या फिर टेस्टिंग के टाइम, तो ऐसे बहुत सारे टाइम्स हम लोग के पास गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए, और ये जो पाइपलाइन है इसको हम लोग और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों के हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी की तो यहाँ पे इतना एफिशिएंट नहीं है, हम लोग इतनी जल्दी डिप्लॉय नहीं कर सकते, टेस्टर को मैनुअली नोटिफाई करना पड़ता है डेवलपर को, ये गलती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टीडियस प्रोसेस है, मतलब कि हर चीज़ को बताना पड़ रहा है और हर चीज़ को खुद से करना पड़ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन ला सकते हैं कि डेवलपर जैसे ही कोड को पुश करे सोर्स कोड मैनेजर पे, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए, और जैसे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है तो टेस्टर उसको निकाल ले, ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम पे चले जाए, और सिस्टम को टेस्टर को खुद टेस्ट स्क्रिप्ट को नहीं रन करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली रन हो जानी चाहिए कोड के ऊपर, और फिर वो अगर सारे कोड पास हो गए तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें। कि अगर आप हम लोग जेंकिंस की बात करें, जेंकिंस जो टूल है, अगर इसको इस्तेमाल करें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, तो हम लोग खूब सारे ऑटोमेशन पार्ट्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि कोड जो पुश होता है वो सोर्स कोड मैनेज पे जाता है, और
सोर्स कोड मैनेजर पे, फिर वो डिटेक्ट होता है कि नया कोड आया है, और फिर वो नया कोड जाता है, वो बिल्ड होता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होने के बाद वो टेस्टिंग के लिए जाता है, फिर ऑटोमेटिकली उसके टेस्ट उसके ऊपर रन होते हैं, और फिर अगर ऑटोमेटिकली टेस्ट रन हो गए तो वो जाता है स्टेजिंग में, और फिर थोड़े दिनों बाद या फिर थोड़े समय बाद वो जाके डिप्लॉय हो जाता है। तो ये पूरा ऑटोमेटेड हो गया, इसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम करना ही बेस्ट रहता है। ह्यूमंस का जॉब ये होना चाहिए कि आप सब सेट कर दें और जो पाइपलाइन है वो अपने आप चलते रहे। तो ये जो प्रोसेस है वो सारे फील्ड्स में होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं। सिर्फ अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल लूँ कि जो गाड़ियाँ बनती हैं उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑटोमेट कर दें वो बेटर रहेगा कि ह्यूमंस ना करें उनको, क्योंकि ह्यूमंस मिस्टेक कर सकते हैं। जो मशीन्स होते हैं वो सिंपल जॉब्स को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, समझने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप उनको ईजिली ट्रेन कर देते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जिससे कि पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। और ये क्या क्या बेनिफिट्स लाता है हमारे में, जब भी आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। जैसे तो ये तो हो गया कि ऑटोमेशन हो गया, और दूसरा बेनिफिट है कि नंबर ऑफ एरर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है। तो इससे आपका जो डिप्लॉयमेंट फेलियर रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी स्पेकुलेटेड है कि अच्छे से डिप्लॉय हो जाएगा, तो यूजली कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसके लिए हम लोग डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं। और फिर एक और एडवांटेज है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिक्योर हो जाती है, क्योंकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ पर नहीं जा रही है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जा रही है। तो इसलिए खूब सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो भी एनेबल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कोई अननेसेसरी एक्सेस नहीं होता है पूरे सिस्टम को, और अननेसेसरी एक्सेस नहीं होने से कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं हो सकता। तो उससे कोई हमारा जो एसेट्स हैं वो चुराए नहीं जा सकते, और उससे बहुत ही सिक्योर हम लोग लेयर फॉर्म कर सकते हैं पूरे अपने पाइपलाइन के ऊपर। तो ये एक और बेनिफिट हो गया। फिर दूसरा बेनिफिट है कि हम लोग को जब प्रोडक्ट निकल के आता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि हम लोग इतने कम एरर्स करते हैं और इतने सारे प्लगइन्स को एनेबल करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन में कि हम लोग का जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट निकल के आता है। और एक और बेनिफिट है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमंस को करना होता है तो बहुत टाइम लगता है, पर अगर आप पूरा ऑटोमेट कर दें स्क्रिप्ट्स के साथ बिल्ड जॉब्स यूज करके, तो वो जो डिप्लॉयमेंट आप करेंगे और जो एंड में आपका जो रिजल्ट आएगा वो काफी जल्दी आ जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन का अगर डाउन टाइम हो रहा है तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो आपके एंड यूजर्स को पता नहीं चलेगा या फिर ज्यादा देर तक नहीं पता चलेगा कि कोई आपकी एप्लीकेशन डाउन है, क्योंकि आपने उसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया। आप उसी वर्जन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं उसका बग रिजोल्व करके, या फिर कोई पुराना वर्जन यूज कर सकते हैं उसको रिजोल्व करके। तो ये हो गया आपका तरीका, और ये हो गया आपके बेनिफिट्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के। तो इसलिए हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीवरी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो टूल्स यूज होते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो फेज है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं खूब सारे टूल्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि आपका जो मेन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है वो है जेंकिंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर आपके और भी अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आपका बैम्बू हो गया, आपका सर्कल सीआई हो गया, आपका गिट लैब हो गया, आपका ट्रैविस सीआई, या फिर आपका टीम सिटी। तो बहुत सारे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं जो हम लोग को हेल्प करते हैं हमारा ऑटोमेशन और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन गोल को रीच करने के लिए, और हम लोग पढ़ेंगे जेंकिंस के बारे में। तो जेंकिंस क्या है? तो जेंकिंस जो है वो एक ओपन सोर्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है जो जावा में लिखा गया था। अब ये क्या करता है, ये हम लोग को बेसिकली अलाउ करता है हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर उनको हम लोग ऑटोमेट कर पाए, और ये भी हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग का जो इन्वॉल्वमेंट हो वो सबसे कम कर दे, और वो इंटीग्रेट करता है बाकी सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस के। जैसे कि हमारे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें, डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि मतलब कि कोडर कोड लिखता है, वो सोर्स कोड मैनेजर में स्टोर होता है, तो वो सारे पार्ट्स आप जोड़ सकते हैं अपने एक जेंकिंस पाइपलाइन के अंदर, और आप जोड़ सकते हैं बाकी सारी चीजें जैसे ऑर्केस्ट्रेशन आपके टूल्स हो गए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स हो गए मेवन या एमएस बिल्ड आप उनको भी लगा सकते हैं अपने पाइपलाइन में, फिर आपके आर्टिफैक्ट मैनेजर्स हो गए जैसे जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, या फिर आपका कोई डेडिकेटेड सर्वर है जिसपे आप स्टोर करते हैं अपने बिल्ड्स,
तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। फिर आपके जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट हो गया जिसमें आप टेस्टिंग सर्वर को खड़ा करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, वो भी आप जोड़ते हैं पाइपलाइन से। और फिर एंड में जब आपको डिप्लॉय करना होता है आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, तो उसको भी करने के लिए आप जेंकिंस से जोड़ सकते हैं। और फिर एंड में अगर मॉनिटर करना हो तो वो भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जेंकिंस कितना पावरफुल है कि वो हर चीज को जोड़ सकता है एक साथ और हम लोग को एक ही जगह से उसको पूरे प्रोसेस को मैनेज करने को मिल जाएगा। तो आपको अगर कहीं पाइपलाइन के बारे में सुना है तो वो बेसिकली आप जेंकिंस के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेंकिंस हमारी हेल्प करता है ये पाइपलाइन क्रिएट करने में, इसको एनेबल करने में, इसको और इम्प्रूव करने में और इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए पूरे प्रोसेस को। तो ये हो गया आपका जेंकिंस। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेंकिंस के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि बैम्बू हो गया, टीम सिटी हो गया, सर्कल सी आई, ट्रैवल सी आई या फिर आपका गिट लैब। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिन जो सेम काम करते हैं, पर डिफरेंस क्या है इनका? तो जेंकिंस है वो बहुत ही डिफरेंट है इन मामलों में, क्योंकि जेंकिंस कई फ्री है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है और उसकी सपोर्टेबिलिटी क्रेजी अमेजिंग है। मतलब कि अगर आप कंपेयर करें टीम सिटी के साथ जेंकिंस को, तो टीम सिटी पेड टूल है, बैम्बू भी आपका पेड टूल है और बाकी सारे जो महंगे वाले हैं वो सब पेड ही हैं क्योंकि वो महंगे भी हैं। पर जेंकिंस क्या है, वो फ्री है और वो फ्री है तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। और एक और चीज़ कि वो ओपन सोर्स है और वो बहुत सारे प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। तो जेंकिंस की जो सपोर्टेबिलिटी प्लगइन्स की, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी दूसरा टूल। जेंकिंस के थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और बाकी टूल्स इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जेंकिंस इसलिए बहुत ही पॉपुलर है। तो आप देख सकते हैं जेंकिंस का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग वही स्टैंडर्ड डिलीवरी पाइपलाइन के साथ करें, तो जो कोड है वो स्टोर होता है सोर्स कोड मैनेजर में। उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, मतलब कि कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है जेंकिंस और फिर उसको क्लोन करता है, फिर उसको बाकी सारे एनवायरमेंट्स में डालता है, बिल्ड करता है, उसको टेस्ट करता है और फिर उसको डिप्लॉय भी करने में मदद करता है जेंकिंस हमारी। अगर हम लोग जेंकिंस के हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कैसे काम करता है। तो जेंकिंस जो था वो ओरिजिनली डेवलप हुआ था सन 2004 में, सन माइक्रोसिस्टम ने उसको डेवलप किया था एक दूसरे नाम के अंडर जो था हडसन। तो सबसे पहले वो हडसन कहलाया जाता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती गई हडसन की, और वो फिर एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट टूल हो गया जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते थे। पर बाद में क्या हुआ कि जब सन माइक्रोसिस्टम्स को ओरेकल ने खरीद लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हडसन को पेड टूल की तरह रखेंगे और उसका एक कम्युनिटी वर्जन बना देंगे, तो लोग ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे और फिर उनको कम्युनिटी के लिए भी एक टूल रहेगा एक जो फ्री है कम्प्लीटली। तो वैसे आपका हडसन और जेंकिंस ने अपनी टाइमलाइन सेपरेट कर ली और वो सेपरेट एंटिटीज में बन गए। तो आपका हडसन था वो मैनेज कर रहा था ओरेकल, और जेंकिंस था वो आपका पूरा कम्युनिटी मैनेज कर रहा था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने जेंकिंस को ज्यादा यूज करना इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जेंकिंस बहुत ही वो था, बड़ा था, वो उसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी थी कि लोग इतने सारे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे थे। कोई नया प्लगइन आया, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया किसी ने, तो वैसी चीजें हो रही थी, कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और वो कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हो गए आपके जो पहले चालू हुए थे 2009 में ऐसे, उन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन लगा, और जो भी एमेच्योर डेवलपर्स हैं उन लोगों को भी बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन मिला, क्योंकि ये पेड नहीं है तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं और ये फ्री का टूल है जो बहुत ही बढ़िया चीजें करता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन में इसको कोई नहीं हरा सकता। तो धीरे धीरे जेंकिंस हडसन से ज्यादा पॉपुलर हो गया, अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया, जबकि हडसन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अब जेंकिंस पूरा का पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया और सबसे ज्यादा पॉपुलर वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है जो पूरे यूज होता है इंडस्ट्री में। अब हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं जेंकिंस के थोड़ा और डिटेल में। तो जेंकिंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो जेंकिंस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल हो गया, तो उसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल के, वो आप जेंकिंस के लिए भी मान सकते हैं कि वो हम लोग को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, हम लोग के डिप्लॉयमेंट और बिल्डिंग में एरर्स को बहुत रिड्यूस करता है, हम लोग को प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि वो पूरी पाइपलाइन को एफिशिएंट कर देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एफिशिएंट कर देता है। तो वो आपके वही जो बेनिफिट्स हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के, वो आप जोड़ सकते हैं जेंकिंस के साथ। पर जेंकिंस के खुद भी बेनिफिट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि जेंकिंस जो है वो एक कम्युनिटी टूल है। तो कम्युनिटी टूल मतलब कि वो पूरा का पूरा ओपन सोर्स है, उसमें हमेशा एक बड़ी सी कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती रहती है,
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्लगइन्स की सपोर्टेबिलिटी इसमें ऐड करते जाते हैं, जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो ऐड हो जाता है और फिर बाकी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना पॉपुलर टूल है, इतने सारे लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया ये इसकी कम्युनिटी और इसके जो ओपन सोर्सनेस है। फिर एक बात है जो वो फ्री है। अब ये फ्री जो है वो बहुत ही बड़ी चीज हो गई। आप तो जानते ही हैं कि पैसे इतने इजीली लोग नहीं दे सकते हैं कोई भी चीज के लिए, स्पेशली अगर हम लोग बात करें कोई एक्सपेरिमेंटल चीज, जैसे आपका डेवॉप्स जो है वो आजकल तो काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गई है, काफी वेल अंडरस्टूड है, पर पहले लोगों को डर लगता था। तो अब ये फ्री थी तो इसमें एक्सपेरिमेंट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, और स्पेशली अब जब वो पूरा पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया डेवॉप्स, तो वो काफी पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि वो फ्री है। अब दूसरे बेनिफिट पे जाएं कि वो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइबल है, काफी अडेप्टेबल है, और उसका जो सपोर्टेबिलिटी है वो प्लगइन्स की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अगेन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो कंपेयर टू जो बाकी के टूल्स हैं जैसे आपके बैम्बू या टीम सिटी हो गए, उनसे मच बेटर सपोर्टेबिलिटी देता है वो। तो ये मच बेटर, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका इसको ऑब्सक्योर टूल है या ऑब्सक्योर प्लगइन है जो आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ही काम करते, आप उसको ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको कुछ चलाना है, उस चीज को चलाने के लिए आपको एक बहुत ही ऑब्सक्योर टूल चाहिए, मतलब कि एक बहुत ही अनजाना टूल चाहिए, और अनजाना टूल है इसका मतलब जो चांसेस हैं उसकी सपोर्टेबिलिटी रहेंगे कोई भी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल के साथ वो बहुत ही कम रहेंगे चांसेस, पर जेंकिंस के साथ आपके चांसेस हायर रहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि आपके चांसेस बढ़ते हैं कंपेयर टू आपके जो एंटरप्राइज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं। और फिर इसका लास्ट जो बेनिफिट है वो है कि वो कोई भी मेजर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज के बिना। सो अगर आप बहुत सारे डिफरेंट एनवायरमेंट्स के थ्रू काम कर रहे हैं, मैक, विंडोज, लिनक्स, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि जेंकिंस इन सबके साथ सपोर्टेबिलिटी रखता है और वो जावा में लिखा गया है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे जेंकिंस के बेनिफिट्स। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे समझ में कि जेंकिंस क्या करती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि और हम लोग उसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और डिटेल पाइपलाइन आपको दिखाऊं जेंकिंस में कैसा रहेगा, तो आप देखेंगे कि जो डेवलपर है वो सबसे पहले अपना कोड लिखेगा और फिर इस कोड को भेजेगा सोर्स कोड मैनेजर पे, मतलब वो पुश करेगा सोर्स कोड मैनेजर तक, और फिर सोर्स कोड मैनेजर से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर पुल हो जाएगा जेंकिंस के थ्रू। ये तब होगा जब आप जेंकिंस के अंदर अपने जॉब्स को बनाते हैं। अब जॉब्स क्या हैं? जॉब्स हो गए आपके बेसिकली प्रोसेसेस जो बताएंगे कि क्या आपको ऑटोमेट करना है, क्या करना है, मतलब कि अगर आपको ऑटोमेटिकली कोड पुल करना हो सोर्स कोड मैनेजर से, तो आप जेंकिंस में एक जॉब बनाएंगे और उस जॉब के अंदर आप मेंशन करेंगे कि मुझे ये कोड पुल हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो जब वो कोड पुल हो गया तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हम लोग को बिल्डिंग करनी है। तो उसी जॉब के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि अब ये जब कोड पुल हो गया है इसको आप बिल्ड करो एक सर्वर के साथ, और फिर जब वो बिल्ड हो जाए तो आप उसको टेस्टिंग सर्वर पे भेजो, फिर टेस्टिंग सर्वर पे वो टेस्ट हो जाए तो उसको स्टेजिंग सर्वर पे भेजो, और स्टेजिंग सर्वर पे जब वो रिलीज कैंडिडेट की तरह टोटली रिव्यू हो गया और रेडी है वो रिलीज होने के लिए, तब वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे चला जाएगा। और अगर कोई इश्यूज आए हैं पूरे के पूरे पाइपलाइन में, तो जेंकिंस में ये भी ऑप्शन है कि आप नोटिफाई कर सकते हैं जो भी आदमी रिस्पॉन्सिबल हो पूरे प्रोसेस के लिए, या फिर अगर कोई कोड में इशू है टेस्टिंग के बाद जो पता चला है उसका ऑटोमेटिक फीडबैक चला जाएगा आपके डेवलपर को, आपको डेवलपर को पता चल जाएगा, फिर साइकिल रिपीट होगी कि डेवलपर फिर से कोड लिखेगा नया, उसको पुश करेगा और जेंकिंस उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसको बिल्डिंग प्रोसेस के लिए भेजेगा, ऑटोमेटिकली टेस्टिंग प्रोसेस, स्टेजिंग और प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका जेंकिंस का पाइपलाइन जो आप यूज कर सकते हैं, एक जेनेरिक पाइपलाइन है। अब चलिए हम लोग केस स्टडी की बात करते हैं, जेंकिंस कौन सी कंपनी ने उसको यूज किया और उसको कैसे हेल्प मिली। तो यहाँ पे हम लोग टी मोबाइल के बारे में बात करेंगे। तो जो टी सर्विस है, टी मोबाइल सर्विस, वो एक अमेरिकन सर्विस प्रोवाइडर है, वो बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। उनका जो मेन सर्विस है वो बेसिकली उनका मोबाइल हो गया, कि वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर जो इनका जो प्रेजेंस है वो काफी बड़ा है, वो पूरे इंटरनेशनल प्रेजेंस देते हैं और वो काफी उनका जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो उनका मार्केट है वो भी काफी बड़ा है। पर उनके यही सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, वो
टीवी सर्विसेज भी देते हैं, बैंकिंग भी करते हैं और बहुत सारी रोड असिस्टेंस जैसी सर्विसेज भी देते हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है और इतने सारे वो प्रोडक्ट्स हैंडल करते हैं, सर्विसेज हैंडल करते हैं, तो इस मामले में वो सॉफ्टवेयर को कैसे एनेबल करेंगे कि वो काफी एफिशिएंटली और ऑप्टिमाइज्ड होके डिलीवर हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों में सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। तो जेंकिंस ने टी-मोबाइल ने जेंकिंस का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो उन्होंने जब इस्तेमाल करना स्टार्टिंग में चालू किया था, तब उनके पास कुछ 200 से बहुत ज्यादा प्लगइन्स थे जो कंपनी वाइड यूज कर रहे थे। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑप्टिमाइज किया पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, उसमें उन लोगों ने 200 से लेके सिर्फ 4 प्लगइन्स को इस्तेमाल यूज करना चालू किया। तो उससे उन्होंने पूरा का पूरा जो पाइपलाइन था उस पर लोड वो बहुत कम कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये ऑप्टिमाइजेशन कर लिया तो उन्होंने मैनेजमेंट था वो सेंट्रल मैनेजमेंट कर दिया। तो इससे जो अडेप्टेबिलिटी थी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज की वो काफी फ्लेक्सिबल हो गई। और इससे क्या हुआ कि जो डेवलपिंग टीम्स थी उनको बस सिर्फ डेवलपिंग और टेस्टिंग पे फोकस करने को मिला, बाकी मेंटेनेंस ऑफ जेंकिंस जो था वो उनको जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंकिंस का इन लोगों ने कितना बढ़िया इस्तेमाल यूज किया है। और उन लोगों ने इतनी सारी टीम्स काम करती हैं टी-मोबाइल के अंदर, जैसे कि आपके उनके 10 टीम्स से ज्यादा काम करती हैं, और उसकी वजह से उनके बहुत सारे पाइपलाइंस इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिड्यूस किया कि नंबर ऑफ उनके जो मास्टर्स थे, वो मास्टर जेंकिंस सर्वर्स थे, उनको उन्होंने रिड्यूस करके एक सिंगल मास्टर कर दिया और उस पर सिर्फ 30 पाइपलाइंस रखी जो सिर्फ ये जो 10 टीम्स हैं उनके लिए काम करती हैं। तो इन लोगों ने पूरा जेंकिंस का मॉडल उठाया, उसको अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया अपने सिस्टम के अंदर, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन लोगों ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज किया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जेंकिंस के मामले में। और ये इतनी बड़ी कंपनी हो के जेंकिंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि जेंकिंस फ्री टूल है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है कि जेंकिंस अगर फ्री है तो इसका मतलब वो खराब टूल है कंपेयर टू आपके जितने भी पेड टूल हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं तो इसमें कोई ना कोई चीज होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करती होगी, बस उसके फ्री होने की बात नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया टूल है। अब चलिए हम लोग जाके इंस्टॉलेशन करेंगे जेंकिंस का और सेटअप करेंगे लिनक्स के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे AWS पे जाके एक लिनक्स इंस्टेंस चालू करूंगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, ये Ubuntu रहेगा। तो हम लोग Ubuntu पे सीखेंगे कि कैसे जेंकिंस को इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। तो मैं इसका IP एड्रेस ले लिया, मैं अपना SSH क्लाइंट को खोलूंगा और अपना IP डालूंगा और बाकी सारी मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, फिर मैं ओपन क्लिक करूंगा। तो ये लोड हो गया, मुझे लॉगिन करना है Ubuntu के साथ। ओके, तो हम लोगों ने अपनी इंस्टेंस या VM को चालू कर दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम लोग को इस इंस्टेंस को अपडेट करना है। sudo apt, तो हम लोग apt पैकेज मैनेजर को अपडेट कर रहे हैं बेसिकली, उसमें जितनी भी रिपोजिटरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगी। और ये स्टेप करने के बाद हम लोग बेसिकली जाके जावा को इंस्टॉल करेंगे। तो जावा एक डिपेंडेंसी है जेंकिंस के लिए। तो जब भी आप जेंकिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो ये देखिएगा कि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ये कमांड के साथ, sudo apt install open JDK। तो हम लोग जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं वर्जन 8 JDK। तो ये है उसका कमांड, आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, sudo apt install open JDK-8-JDK। मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे पूछेगा do you want to continue, बाय लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा फिर से। ओके, तो अब हम लोगों ने जावा को इंस्टॉल कर लिया है, हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। अगर मैं जावा लिखूं यहां पे और
-version2। तो मैंने एक एक्स्ट्रा हाइफन डाल दिया है, आप लोग फिर से ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने जावा हाइफन वर्जन डाला तो उसने मुझे बताया कि मेरे ओपन जेडीके के क्या वर्जन है, कौन सा रन टाइम एनवायरमेंट चल रहा है और उस कौन सा सर्वर है। तो 64-bit सर्वर वर्चुअल मशीन पे है और ये मेरा वर्जन हो गया ओपन जेडीके का 1.8.0। तो दोस्तों को ना हम लोगों ने जावा को इंस्टॉल कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग को जेंकिंस इंस्टॉल करना है। तो जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली एप मैनेजर से कर सकते हैं या फिर डीबीएन कुछ पैकेज मैनेजर है, पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो जेंकिंस की स्टेबल रिपोजिटरी है उसको ऐड करना होगा ऐप के लिस्ट में, तो हम लोग उससे डाउनलोड कर पाएंगे। तो उससे पहले क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहले जो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी है जेंकिंस की जहां से हम लोग उसको उठाएंगे तो उसकी हम लोग को की चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला कमांड जाके यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कमांड है वो wget-q-o-, और फिर हमारे की का एड्रेस और फिर वो की को ऐड करने का कमांड। तो ये हो गया हमारे की को ऐड करने का कमांड। तो मैं यहाँ पे जाके sudo ऐड कर देता हूँ, ओके, रूट एक्सेस के लिए, फिर मैं एंटर दबाऊंगा। तो अगर ये कमांड सही है तो आपको एक ओके मैसेज आएगा। और जब आपने की को ऐड कर लिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली वो रिपोजिटरी को ऐड करना और या फिर रिपोजिटरी को बेसिकली एस्टेब्लिश करना हमारे सिस्टम के अंदर। तो मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा, तो बेसिकली sudo sh-c और ये एको कर रहा है ये जो जेंकिंस की रिपोजिटरी है उसको, हमारे etc/app-sources.list.d/jenkins। फिर से लिख दिया, ओके, एक ही बार लिखना है और फिर मैं एंटर दबाऊंगा। चलिए कमांड को फिर से डालते हैं, एंटर। अब ये मेरा जो ये जेंकिंस का एड्रेस है वो ऐड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कमांड डालना है sudo apt update। तो ये मेरी apt को रिफ्रेश कर देगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब जेंकिंस आ गया। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि उसने जेंकिंस की जो रिपोजिटरी उसको ऐड कर दिया है, जो स्टेबल रिपोजिटरी है। अब हम लोगों ने रिपोजिटरी को ऐड कर दिया तो हम लोग जाके वो कमांड यूज कर सकते हैं sudo apt install jenkins। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo apt install jenkins और फिर एंटर दबाऊंगा, yes। तो वो अब जेंकिंस को इंस्टॉल करना चालू कर देगा। तो चलिए हम लोग का जेंकिंस अब इंस्टॉल हो गया है। अब जेंकिंस को एक्चुअल एक्सेस करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जेंकिंस को अपने ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। हम लोग उसको एक्सेस करेंगे 8080 पोर्ट पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे AWS पे जाऊँगा, हमारा IP एड्रेस लूंगा और फिर मैं उसको एक नए टैब के अंदर पेस्ट करूँगा और 8080 डाल दूंगा। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखेंगे कि वो लोड कर रहा है, वो हमारा जेंकिंस का साइन इन लोड कर रहा है। अब देखिए हमको क्या बताता है, तो बोलता है अनलॉक जेंकिंस टू एंश्योर जेंकिंस सिक्योरली सेटअप बाय एडमिनिस्ट्रेटर अ पासवर्ड हैज बीन रिटन इनटू द लॉग। इसका मतलब अगर हम लोग को जेंकिंस सिक्योरली सेटअप करना है एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू तो हम लोग को एक पासवर्ड यूज करना पड़ेगा जो हम लोग को अपने सर्वर पे है। तो वो बताता है कि पासवर्ड कहाँ पे है, तो बेसिकली ये सिक्योरिटी वो है प्रोटोकॉल, तो उसमें आपसे पूछता है पासवर्ड के लिए। तो हम लोग यहाँ ये कॉपी करेंगे, जो एड्रेस है /bash/lib/jenkins/secrets और इनिशियल एडमिन पासवर्ड, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ सर्वर पे आएंगे और फिर कैट का कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अब कैट क्या करता है, वो बेसिकली कोई भी टेक्स्ट फाइल है उसको लिस्ट कर देता है आपके टर्मिनल पे। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो हमको परमिशन डिनाइड कर रहा है क्योंकि हम लोग के पास रूट एक्सेस नहीं है। तो चलिए sudo करके करते हैं फिर। अब हम लोग को नंबर आ गया है तो इसने नंबर टर्मिनल पर डाल दिया कैट कमांड ने। अब इसको कॉपी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में पेस्ट कर देंगे, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो इससे आपका इनिशियलाइजेशन सेटअप चालू हो जाता है, सेटअप विजर्ड। अब आपके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन कर सकते हैं या तो आप सिलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आप लोग नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे क्लिक करें क्योंकि वो सारे ये जो यूजफुल कम्युनिटी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करके रखता है, तो आपको सेपरेटली कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप जाके अपने मनपसंद प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा,
तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस चालू हो गया है। उसमें वो सारे के सारे जो प्लगइन्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जेंकिंस के, वो उसको इंस्टॉल कर रहा है। ओके, अब उसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम लोग को पूछेगा अपना एडमिन यूजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैं अपना नाम देता हूँ और मैं एक सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ जो मैं आप लोगों को बताऊँगा नहीं, और फिर ओके। तो आप इसको पूरे प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें। मैंने डाल दिया अपनी डिटेल्स और मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, और जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि ये मेरा जेंकिंस का कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा यूआरएल है। अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग को चाहिए। और फिर सेव और फिनिश कर दूंगा मैं। तो हुर्रे, हम लोग का जेंकिंस अब रेडी है, सेटअप भी कम्प्लीट हो गया है। अब हम लोग जेंकिंस को यूज़ करना चालू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे खूब सारी चीज़ें अभी होम पेज पे, बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि आपका न्यू आइटम, पीपल, बिल्ड हिस्ट्री, माई व्यू, लॉकेबल रिसोर्सेज, न्यू व्यू, बिल्ड क्यू, बिल्ड एग्जीक्यूटिव स्टेटस, वेलकम टू जेंकिंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है वेलकम टू जेंकिंस, और यहाँ पे ऑप्शन दिए क्रिएट एन एजेंट और कॉन्फ़िगर इन क्लाउड टू सेटअप डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपना क्लाउड सेटअप करना है जेंकिंस का, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्लाउड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और एजेंट्स जोड़ने हो अपने जेंकिंस मास्टर सर्वर के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप नया जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जॉब हो गया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये हम लोग को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, और वो मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग को एनेबल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को क्लिक करूँ और कुछ भी नाम दे दूँ, हेलो नाम दे दिया और ओके करूँ, तो मैं आप लोग को अंदर दिखाऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जनरल हो गया, सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर्स, बिल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड पोस्ट बिल्ड एक्शंस, तो खूब सारी डिटेल्स हैं जो हम लोग फिल कर सकते हैं अपने जॉब को ऑटोमेट करने के लिए। अपना गिट यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इससे हम लोग पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। अब हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे लीव करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि बहुत ही ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आप लोग बैक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे, और हमारे डैशबोर्ड पे हम लोग देख सकते हैं कि एक नया बन गया है। तो यहाँ पे नॉट बिल्ड है, और बिल्ड स्टेटस इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने इसको बिल्ड ही नहीं किया, तो वो बता रहा अच्छा है। तो ये आपका दिखाने लग जाता है कितने बिल्ड्स हैं आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे। और फिर आप यहाँ से फिर से अगर नया एजेंट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक ऑन। अगर आप न्यू आइटम पे क्लिक करें तो आपके सारी लिस्ट दिखा देगा, और अगर आप अपना यूज़र ऑथेंटिकेशन उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पीपल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यू आइटम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। अब फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में आप बेसिकली कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट चला सकते हैं, और मैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा जब हम लोग एक्चुअल में कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ पूरे पूरे यूज़र इंटरफेस और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स हैं यहाँ पे राइट नाउ, तो वो सब दिखाएगा कौन से लोग एक्सेस कर रहे हैं, इंक्लूड्स ऑल नोन यूजर्स। और फिर आप लोग यहां से मैनेज जेंकिंस कर सकते हैं, और एक बिल्ड हिस्ट्री है। तो बिल्ड हिस्ट्री में क्या करता है, वो बेसिकली आपके जितनी भी बिल्ड्स हुई हैं, आपके जॉब्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं, तो वो जॉब मैं आपको सारी बिल्ड हिस्ट्री दिखा देगा, कौन कौन से जॉब्स कब हुए हैं, कितनी देर लगी और उनका स्टेटस क्या है, वो सब आपको दिखता है। और मैनेज जेंकिंस में आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के मैनेज कॉन्फ़िगरेशन हैं, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन,
और यहाँ पे आपका स्टेटस इन्फॉर्मेशन है ट्रबल शूटिंग के लिए, टूल्स एंड एक्शंस के लिए। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे कि कौन कौन से आपके ग्लोबल पाथ्स रहेंगे और क्या क्या आप चाहेंगे एजेंट्स के आपके बारे में, या फिर आपके जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आपके टूल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन कौन से टूल्स आपने इंस्टॉल किए हैं जैसे कि मेवन इंस्टॉल किया है, कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना है और कहाँ पे उसका डायरेक्टरी रहेगी, होम डायरेक्टरी। अगर आपके कोई प्लगइन्स हैं जैसे कि आपका कोई गिट का प्लगइन है या फिर AWS का कोई प्लगइन है तो उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे और मैनेज करना है मतलब रिमूव करना है या ऐड करना है। इसमें मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स, मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स तब आते हैं जब आपके पास खूब सारे नोड्स होते हैं जिसपे आप जो सर्वर्स हो गए मतलब क्या आपके पास 5 सर्वर्स हैं, 5 पे जेंकिंस चल रहे हैं तो वो जॉब कहाँ कहाँ डिवाइड होगा अगर आपने मेन मास्टर पर चलाया है तो उसके बारे में बात करें। जो हम लोग जेंकिंस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी में आप कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी कर सकते हैं, आपके खूब सारे क्रेडेंशियल्स रहेंगे। अब आप बहुत सारे प्लगइन्स एंड टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ प्लगइन्स एंड टूल्स के लिए आपको सेपरेट ऑथेंटिकेशन चाहिए रहेगा तो उसके लिए आपको सीक्रेट्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके क्रेडेंशियल्स हो गए तो वो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को स्टोर करता है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स को, फिर आप अपने यूजर्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जेंकिंस को हेल्दी रखना है तो आपको इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, सिस्टम लॉग्स को देखना पड़ेगा और स्टैटिक्स लोड स्टैटिस्टिक्स को देखना पड़ेगा कितना लोड जा रहा है। और अगर ट्रबल शूटिंग के लिए करना हो तो ओल्ड डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई मिसलेनियस चीज़ें देखनी जैसे कि पूरा सर्वर को शट डाउन करना है या फिर आपको CLI यूज़ करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जेंकिंस। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसमें मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो जेंकिंस आर्किटेक्चर मतलब कि क्या हो गया, तो आर्किटेक्चर होता है कि एक लेआउट जहां पे आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जेंकिंस में हम लोग ऐसा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज में खूब सारे डेवलपमेंट टीम्स होती हैं और ये खूब सारी डेवलपमेंट टीम्स में खूब सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो खूब सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक ही सर्वर पे नहीं रन कर सकते। हम लोग के पास अभी क्या है, हम लोग के पास सिर्फ एक ही सर्वर है। अगर हम लोग के पास 10 टीम्स हों और 10 टीम्स के पास कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स हों मतलब कि 15-20 प्रोजेक्ट्स हों तो उनको हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही सर्वर के ऊपर नहीं चला सकते क्योंकि उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे और कई बार अगर कोई एक इशू है वो दूसरे इशू में स्पिल ओवर हो जाता है और वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसमें एक जेंकिंस मास्टर नोड रहेगा और बाकी के आपके स्लेव नोड्स रहेंगे। तो स्लेव नोड्स बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके टास्क हैंडल करते हैं, मास्टर आपके टास्क लेता है उसको डिवाइड कर देता है। अगर हम लोग के 5 build jobs हैं, 5 jobs जिनको हम लोग को बिल्ड करना है तो जेंकिंस मास्टर नोड उसको डिवाइड कर देगा अपने स्लेव्स के ऊपर, ये इस चीज के ऊपर कि वो फ्री हैं या फिर उनका रिसोर्स पूल इतना लार्ज इनफ है कि वो 2 builds को ले सकें या एक्स्ट्रा बिल्ड को ले सकें, तो उस बेसिस पे वो डिवाइड करता है टास्क और ये जो स्लेव नोड्स हैं वो उन सबको जाके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। अब चलिए हम लोग जाके अपना खुद का मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो उससे क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को मैनेज जेंकिंस में जाना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में जाना होगा। तो कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में आके आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, जब आपको एजेंट्स मिल जाए तब आप रुक जाइए। तो यहाँ पे अगर ना हम लोग को TCP port जो एजेंट्स के लिए इनबाउंड है उसको रैंडम कर देते हैं डिसेबल की जगह, तो इससे क्या होगा कि वो हम लोग एजेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो उसको फिक्स पोर्ट भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर रैंडम कर दूंगा, मुझे साइन नहीं करना पड़ेगा। और फिर जाके आप सेव कर दीजिए तो इससे हम लोग एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एजेंट्स क्या हो गए, वो बेसिकली आपके स्लेव नोड्स हो गए, और जब आपने वो कर लिया है तो आप जाके मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स कर सकते हैं। तो मैं मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को दिखाएगा मेरे लिस्ट ऑफ नोड्स कितने हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है, वो है मास्टर नोड जिसपे हम लोग चला रहे हैं, वो आपको आर्किटेक्चर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके अपना एक नोड ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू नोड पे क्लिक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आपके नोड का नाम दे दीजिए। तो मैं अपने नोड का नाम दूंगा Agent 1, या फिर मैं Slave 1 भी लिख सकता हूँ। फिर हम लोग परमानेंट एजेंट पे सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पे सिलेक्ट करेंगे, और ये जब सिलेक्ट करेंगे तो हमसे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मांगेगा, मतलब कि आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आपका रिमोट रूट डायरेक्टरी क्या है, आपकी वर्किंग स्पेस क्या रहेगी, कस्टम वर्किंग डायरेक्टरी बात, वो सब। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं होम
Ubuntu, और फिर मैं लेबल्स नहीं लिखूंगी यहां पे, अभी जरूरत नहीं हमको। यहां पे मैं फिर से स्लैश जेंकिंस डाल देता हूं, वह कस्टम वर्किंग डायरेक्टरी पाथ में भी डाल दूंगा, और बाकी सारी चीजें हम लोग डिफॉल्ट रखने देंगे। और फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो ये दिखा रहा है हम लोग का एजेंट वन। मैं अगर एजेंट वन पे क्लिक करूं तो ये हम लोग को दिखाएगा कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं ये कमांड यूज करके। आपके जो भी लिनक्स एजेंट रहेगा उस पर आप लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको अपने लिनक्स एजेंट पे चलाऊंगा। उससे पहले मुझे agent.jar को अपने उस पर कॉपी कर लेना, अपने लिनक्स सर्वर पे जहां पे मैं एजेंट वन को चलाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग जाके दो और इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे। ये हम लोग के स्लेव नोड्स रहेंगे या एजेंट नोड्स रहेंगे। तो मैं वही Ubuntu सर्वर को यूज करूंगा, और आपकी जो फाइल है आपको उसको रखना है, पर ये आपके होस्ट सिस्टम में डाउनलोड हुई तो हम लोग उसको कॉपी कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टेंस लॉन्च करता हूं। तो ये मेरे हो गए एजेंट्स। सबसे पहले मैं इस वाले को नाम दूंगा जेंकिंस एजेंट वन, इसको नाम दूंगा मैं जेंकिंस एजेंट टू। ओके, अब हम लोग इन दोनों को लॉन्च करेंगे और मैं इसको लॉन्च करूंगा। और हम लोग को इन पे जेंकिंस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बस जावा इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे पहले इस इंस्टेंस को अपडेट करूंगा और फिर इसमें जावा को इंस्टॉल करूंगा। sudo apt install openjdk 8jdk। yes, तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि जावा इंस्टॉल हो गया। अब मैं यही सेम चीज दूसरे एजेंट पे भी करूंगा। और मैं यहाँ पे इस इंस्टेंस को अपडेट करूंगा पहले, फिर मैं इंस्टॉल करूंगा जावा। ओके, तो इसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा, हम लोग कभी देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ये agent.jar फाइल है उसको डाउनलोड कर दिया है। अब हम लोग को बस ये agent.jar को फाइल को ट्रांसफर करना है हमारे इंस्टेंस पे, बेसिकली जहां पे हम लोग का एजेंट वन है, और फिर ये कमांड चलाना है। तो अभी राइट नाउ अगर मैं अपना अपनी जगह खोलूं जहां पे agent.jar है मेरा, तो मेरा agent.jar यहां पे है, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा agent.jar। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे git bash करूंगा। अब मैं git bash इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बस टर्मिनल चाहिए, क्योंकि मैं एक कमांड चलाना चाहता हूं तो वो मेरा bash टर्मिनल पे चलेगा। तो आपको दो चीजें चाहिए फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, एक तो आपको agent.jar फाइल चाहिए अपने डायरेक्टरी में, तो मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में है, और दूसरा आपको आपकी की चाहिए जो प्राइवेट की है, आपकी .pem फाइल जो है जो आपने AWS से उठाई थी वो चाहिए। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग इस होस्ट सिस्टम से हम लोग अपने सर्वर पे ट्रांसफर करेंगे उसका SSH की यूज करके। तो उसके लिए हम लोग कमांड टाइप इन करेंगे scp -i फिर ./ और फिर मैं agent.jar फाइल को यूज करूंगा। एक्चुअली agent.jar से पहले हम लोग अपनी की का नाम लिखेंगे और स्पेस देंगे, फिर agent.jar फाइल यूज करेंगे और फिर agent.jar लिख लिया। तो ये हमारी की है और ये हमारा agent.jar फाइल है। अब हमें लिखना है यहां पे Ubuntu, ये हम लोग का यूजर नेम हो गया एक्सेस करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे आईपी डालेंगे, तो आईपी आप कहीं से भी यहां से उठा सकते हैं।
AWS कंसोल से। मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर मैं कोलन डालूंगा, फिर मैं डायरेक्टरी डालूंगा जहां पे मुझे फाइल चाहिए। हम लोग बस को जेंग उबंटू पे ही डालेंगे, ओके, और फिर मैं एंटर दबा दूंगा। तो ये है हमारा सिंटैक्स scp-i.slash आपकी की, और फिर आपको फाइल जो आपको ट्रांसफर करना है, फिर आपका यूजर जिससे एक्सेस करेंगे, फिर उसका आईपी और फिर एंटर। यस, तो अब हमारी जो फाइल है वो ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ट्रांसफर रेट और वो सब बता दिया है। तो अगर मैं अपने एजेंट वन पे जाऊं और फिर मैं ls करूं तो देखेंगे कि हमारी एजेंट डॉट जार फाइल जो है वो अब इस सिस्टम सर्वर पे आ गई है। अब बस हमको जाके ये जो कमांड है इसको कॉपी करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर एंटर करेंगे तो वो चालू हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं कि कनेक्शन हो गया है। अगर मैं वापस आऊं और मैं नोड्स पे फिर से क्लिक करूं यहाँ पे, आप देखेंगे कि एजेंट वन जो है वो कनेक्टेड हो गया है। अब वो बाकी सारी चीजों को कैलिब्रेट कर रहा है और फिर उसको यहाँ पे लिख देगा। तो आप देख सकते हैं इसने आर्किटेक्चर आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लॉक डिफरेंस, फ्री डिस्क स्पेस, वो सब उसने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग एजेंट टू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एजेंट टू लिखूंगा, कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कर देते हैं तो वो सारी डिटेल्स कॉपी कर लेगा हमारे एजेंट वन से। ओके लिखता हूं, तो बस थोड़ा चेक करेंगे। हाँ 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 सब ठीक है। अब बस सेव पे क्लिक करते हैं। इसके लिए भी हम लोग सेम एजेंट डॉट जार फाइल यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पे आएंगे, इसका आईपी पकड़ेंगे एजेंट टू का, कॉपी करेंगे और फिर सेम कमांड यूज करेंगे scp-i लाइव सेशन कीज एजेंट डॉट जार फाइल को कॉपी करके भेजना है और फिर मैं यहाँ पे नया आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, बस वही चेंज करेंगे और फिर एंटर दबा देते हैं। यस, तो उसने भी फाइल को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम लोग अपने एजेंट टू पे जाएं, ये हम लोग एजेंट टू है, यहाँ पे मैं अगर ls करूं तो आप देख सकते हैं कि एजेंट डॉट जार फाइल यहाँ पे भी आ गई है। अब आपकी एजेंट डॉट जार फाइल सेम हो सकती है पर आपका जो कमांड है वो स्पेसिफिक है। एजेंट डॉट एजेंट टू का यही कमांड है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर एंटर दबाऊंगा तो ये भी कनेक्ट कर जाएगी। ये ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका है, अब इसने भी कनेक्ट कर लिया। तो अब अगर हम लोग वापस आए नोट्स पे तो देखेंगे कि एजेंट टू जो है वो भी कनेक्ट हो चुकी है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सेटअप मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का। तो गाइस अब चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं अपनी खुद की एक CI/CD पाइपलाइन को सेटअप करने के लिए। अब CI/CD पाइपलाइन क्या हो गया? CI/CD पाइपलाइन हो गया आपका कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन इनिशिएट करते हैं या बनाते हैं तो वो बेसिकली आपकी CI/CD पाइपलाइन हो गई। अगर आप CI/CD को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है आपका कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं DevOps की मदद से, तब आपकी होती है वो CI/CD पाइपलाइन। तो अब बात करते हैं कि CI/CD पाइपलाइन में क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम लोग का एक स्टेज वन हो गया, फिर उसमें एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, स्टेज टू है, फिर आपके उसमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, स्टेज थ्री है, उसमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फिर ऐसे ही आपके एन स्टेजेस हैं डिपेंडिंग ऑन आपके कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, और फिर उसमें भी एन स्टेप्स रहेंगे। तो जो स्टेज है वो बेसिकली एक बड़ी ब्लॉक ऑफ यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेज को सॉफ्टवेयर में। आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में खूब सारे स्टेजेस रहेंगे, मतलब आपका डेवलपमेंट स्टेज रहेगा, आपका बिल्डिंग स्टेज रहेगा, आपका टेस्टिंग स्टेज रहेगा, आपका स्टेजिंग स्टेज रहेगा और आपका डिप्लॉयमेंट स्टेज रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस रहेंगे और उन स्टेजेस के अंदर आप खूब सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं
वो बेसिकली डिफाइंड टास्क होते हैं जो स्टेजेस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं. आपके स्पेसिफिक स्टेजेस के अंदर स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट होंगे. आपके स्टेज के अंदर हम लोग जैसे कि 3 steps एग्जीक्यूट करेंगे, 3 tasks एग्जीक्यूट करेंगे, और ये 3 tasks बेसिकली हम लोगों को हेल्प करेंगे अचीव करने में हमारा स्टेज ओवरऑल गोल. वो हो सकता है डिप्लॉय, वो हो सकता है टेस्ट, वो हो सकता है स्टेज, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं स्टेजेस के ऊपर. अब आप ये जेंकिंस में कैसे अचीव करेंगे? तो जेंकिंस में इसको अचीव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेंकिंस फाइल का. अब जेंकिंस फाइल आपकी थोड़ी डॉकर फाइल की तरह होगी कि वो एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट है जिसमें आप डिटेल्स डालते हैं, उससे आपका एक ऑब्जेक्ट चलता है. तो जेंकिंस फाइल के साथ आप क्या करते हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो स्क्रिप्ट के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जेंकिंस पाइपलाइन को. तो अगर आपको कोई कोड लिखना हुआ या फिर कोई कोड पुश किया, पुल किया, उसको डिफाइन करने के लिए उसके साथ क्या होगा, आप जाके उसका जेंकिंस का GUI है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसका डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हैं. तो जेंकिंस फाइल के साथ क्या है कि आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जेंकिंस के अंदर ही, या फिर अगर आप चाहें तो आप उसको सेपरेटली एक टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं और उसको अपने सोर्स कोड के साथ पुश कर सकते हैं. तो आपके पास जेंकिंस में एक ऑप्शन रहता है कि वो आपके सोर्स कोड के पुल को स्कैन करे, उसमें एक जेंकिंस फाइल को रिट्रीव करे और उसको अप्लाई करे पाइपलाइन क्रिएशन के लिए. तो वही हो गया आपकी जेंकिंस फाइल. वो एक बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें आप अपना पाइपलाइन के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उससे आपका जेंकिंस का पाइपलाइन क्रिएट होता है. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जेंकिंस फाइल होगी जिसमें आप पाइपलाइन लिख रहे हैं. तो ये जो फॉर्मेट यूज हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है बेसिकली ग्रूवी लैंग्वेज यूज हो रही है इसको लिखने के लिए. तो पाइपलाइन में आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन ब्रेसेस, फिर स्टेजेस ब्रेसेस, स्टेजेस के अंदर खूब सारे स्टेजेस हैं. एक बिल्ड स्टेज हो गया, एक टेस्ट स्टेज हो गया, डिप्लॉय स्टेज हो गया, और उन स्टेजेस के अंदर आपके स्टेप्स हैं. तो आप स्टेप्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप है, अगर दूसरा स्टेप होना चाहिए था तो वहाँ पे भी लिख सकते थे, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, आप ये सब लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गई आपके जेंकिंस फाइल का एग्जांपल. तो गाइज अब हम लोग जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी खुद की पाइपलाइन. उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एक फ्री स्टाइल जॉब को एग्जीक्यूट करने की. तो मैं आया हूँ मेरे जेंकिंस डैशबोर्ड पे. अब हम लोग न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे. जब आप न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है. तो एक तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या कहता है, ये आपका जेंकिंस का सेंट्रल फीचर है. इसके साथ अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई भी SCM या सोर्स कोड मैनेजमेंट को कोई भी बिल्ड सिस्टम के साथ लगा सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं. ये इसलिए भी यूज हो सकता है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को नहीं बिल्ड करना चाहें, कोई और चीज़ के लिए ऑटोमेशन बनाना चाहें पाइपलाइन, तो आप वो इससे कर सकते हैं. फिर आपका आता है पाइपलाइन प्रॉपर. तो ये क्या करता है, ये आपके पास बहुत सारी लॉन्ग रन एक्टिविटीज होती है ना, तो उनको एक साथ चलाने के लिए यूज होता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को जेंकिंस पाइपलाइन के बारे में बताया, इतने सारे स्टेजेस हैं तो उसमें स्टेजेस में खूब सारी चीजें रहेंगी, तो ये बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. तो इसके लिए आप एक रोबस्ट पाइपलाइन बनाना चाहेंगे जिसमें जेंकिंस को पता है कि हर स्टेज में क्या हो रहा है. फिर आपका आ जाता है मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट. ये उन चीज़ों के लिए यूज होता है जिसमें आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्ड्स यूज हो रहे हैं. फिर आपके पास और छोटे छोटे और ऑप्शन हैं जैसे कि फोल्डर, या आपको अगर फोल्डर क्रिएट करना उसमें खूब सारी चीज़ें डालनी हो. फिर आपके पास गिटहब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ गया एक ऑप्शन जिसमें आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करता है, उसकी जितनी भी रिपोजिटरीज हैं उनको स्कैन करता है. फिर सिमिलरली एक और ऑप्शन, और फिर आपका मल्टी पाइपलाइन ऑप्शन आ गया. तो इसमें आपको अगर आपके इस बड़ा सा यू नो प्रोजेक्ट है जिसमें आपके इस खूब सारी सर्विसेज हैं, या फिर ये मान लीजिए कि अगर आपका बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, इस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में खूब सारी सर्विसेज हैं जो एक साथ काम करके खूब सारी चीज़ें करती हैं. मतलब आप फ्रंट एंड भी देख रहे हो, मतलब क्लाइंट साइड भी देख रहे हैं, अपना बैक वेयर हाउस साइड भी देख रहे हैं, और आप में आपके खूब सारी सर्विसेज हैं. अगर हम लोग स्विगी का एग्जाम्पल दे दें कि स्विगी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप उसमें खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, पार्सल दे सकते हैं किसी आदमी को, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं. उन सारे सॉफ्टवेयर के लिए आपके आप एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली ये मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होती है जिसमें आपको खूब सारे पाइपलाइंस अलाइन करने होते हैं. तो ये हो गए आपके डिफरेंट ऑप्शंस हो गए यहाँ पे. हम लोग चलिए फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं और इसमें कोई नाम देते हैं. तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा टेस्ट प्रोजेक्ट. मैं एंटर दबाऊंगा.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे डालूंगा कि दिस इज अ सैम्पल प्रोजेक्ट बिल्ड। तो ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, फिर ये बताएगा आपको, पूछेगा आपसे कि आपको ओल्ड जितने भी कोई ओल्ड बिल्ड है उनको डिस्कार्ड करना है कि नहीं। अगर आप चाहें कि अपने ओल्ड बिल्ड्स को डिस्कार्ड करें तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूछेगा कि कितने दिनों के लिए आपको अपने बिल्ड्स को रखने हैं और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्ड्स रखने हैं। तो आप चाहें तो आप सिर्फ 10 दिन के लिए रख सकते हैं अपने बिल्ड, या 1 दिन के लिए, और आपके मैक्सिमम नंबर बिल्ड्स होंगे वो 10 होंगे। तो इससे वो बेसिकली डिस्कार्ड कर देगा ये कंडीशंस के ऊपर कुछ भी चीज, कोई भी बिल्ड जाएगा तो ऐसे आपका डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड काम करता है। फिर आपके गिटहब प्रोजेक्ट है जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट यूआरएल क्या है। तो मैं यहाँ पे अपनी गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल मेंशन करता हूँ। हाँ, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आप भी वही यूआरएल कॉपी करके डाल सकते हैं, तो आप भी वही सेम रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आया, मैं अपनी सिंपल वेब ऐप को खोलूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा कोड क्या करता है, वो बेसिकली एक index.html है, उससे वो वो सिंपल सा HTML वेबसाइट बनाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोड पे जाऊँगा और मैं इसका जो URL है वो कॉपी कर लूँगा। मैंने URL कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा ये प्रोजेक्ट URL अब पेस्ट हो गया है। और आपके पास और ऑप्शंस हैं, अगर ये बिल्ड में अगर आप रिसोर्सेज लॉक कर दें, अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज ना देना हो तो आप वो कर सकते हैं। और फिर आप इस प्रोजेक्ट में अगर और पैरामीटर्स डालना चाहें, कोई स्पेशल क्रेडेंशियल्स या फिर आपको कोई बूलियन पैरामीटर्स डालना हो या पासवर्ड पैरामीटर या रन पैरामीटर, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपके बिल्ड्स के बीच में थोड़ा सा टाइम हो तो आप थ्रॉटल कर सकते हैं बिल्ड्स को, कि आपके बिल्ड्स को कितना टाइम पीरियड मैक्सिमम लगना चाहिए। फिर आप प्रोजेक्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। और अगर आप कंसेक्यूटिवली बिल्ड्स को एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो इसको और दूसरे बिल्ड्स को एक साथ रन कर पाएगा। और फिर मैं एक और ऑप्शन कर सकता हूं जो हम लोग एक्चुअली में यूज़ करेंगे, वो है रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप कहाँ इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहेंगे, मतलब आपके पास खूब सारे स्लेव्स हैं तो कौन से स्लेव पे रन करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर लेबल एक्सप्रेशन डालूंगा, तो इससे ये हम लोग को, अगर आपको याद है तो हम लोग जब अपने नोड्स क्रिएट कर रहे थे, अपने स्लेव्स को क्रिएट कर रहे थे या एजेंट्स को क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे लेबल्स का ऑप्शन था। तो राइट नाउ उन स्लेव एजेंट्स पे सिर्फ एक ही लेबल है, उनका नाम है, तो मैं यहाँ पे एजेंट डालूंगा। तो एक बैकस्पेस मारा, अब इसने लेबल वन को, एजेंट वन को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर मैं एजेंट वन एजेंट टू को कोई डिफरेंट लेबल्स देता, मतलब कि अगर उनको कलर रेड दे दिया, कलर ब्लू, और उसको यहाँ पे मेंशन किया, तो मैं उनको लेबल के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकता था उनमें ये कोड। फिर हम लोग सोर्स कोड मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं कौन सा हम लोग यूज करेंगे, सबवर्जन या गिट। तो हम लोग गिट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे गिट का फिर से यूआरएल डाल देंगे। अगर आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं, पर ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है, इसमें कोई क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं, तो आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको डालना ही है तो आप जेंकिंस पे क्लिक करेंगे, तो आपके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर से आप उसके क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड डालें, आईडी डालें और डिस्क्रिप्शन, और उसको ऐड कर दें। हम लोग को ज़रूरत नहीं तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। और अपनी ब्रांच भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सी ब्रांच चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं डिफॉल्ट करके। फिर हम लोग नीचे आएंगे, अब बिल्ड ट्रिगर्स की बात करते हैं। तो बिल्ड ट्रिगर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने स्क्रिप्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल से, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स का बिल्ड, मतलब कि आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को रन करें और फिर उनके पीछे इन बिल्ड्स को चलाएं, इस बिल्ड को। तो अगर मैंने मान लीजिए इससे पहले एक और बिल्ड चलाया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट को, और फिर वो जब खत्म हो जाए तभी वो ये बिल्ड चालू होगा। इसमें भी एक स्पेशल कंडीशंस आप डाल सकते हैं कि ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड स्टेबल, अगर वो प्रीवियस जो पुराना वाला बिल्ड था अगर वो स्टेबल है तभी ये चलेगा, या फिर अगर वो अनस्टेबल भी है तभी ये चलेगा, या फिर अगर वो बिल्ड फेल भी हो जाता है तब भी ये चलेगा। तो उसके आपके ऑप्शन यहाँ पे कन्फिगर करने का उपाय है। और आप बिल्ड पीरियोडिकली भी कर सकते हैं, अगर आप शेड्यूल करना चाहें अपने बिल्ड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, या एक स्पेसिफिक टाइम में, मे बी मंथ एंड, या फिर अगर आप वीकेंड पे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
फिर आप गेट हब हुक ट्रिगर कर सकते हैं गेट एस सी एम पोलिंग के लिए, तो ये हम लोग टिक करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो बिल्ड है वो तभी ट्रिगर हो जब हम लोग यहाँ पे गेट हब वो हम लोग कुछ पुश करें। तो अगर मैं इंडेक्स और डिस्टी एम में कुछ नया डालूँ तो ये जेंकिंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे नया कोड आया है और इसको फिर इसको बिल्ड करना चाहिए। तो ये एक ट्रिगर हो गया। तो उसको कन्फिगर करने के लिए हमारे गेट हब में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे और फिर हम लोग वेबहुक्स में जाएंगे। अब हम लोग वेबहुक्स में आके यहाँ पे एक ऑलरेडी वेबहुक है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको डिलीट करेंगे यस, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसे आप वेबहुक्स डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऐड वेबहुक करेंगे। ऐड वेबहुक में आपका पेलोड यूआरएल वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपका पेलोड यूआरएल बेसिकली ये होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ डाल के कि क्या होना चाहिए। तो आपका जो पेलोड यूआरएल होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जेंकिंस के सर्वर का आईपी एट उसका पोर्ट, तो ये जेंकिंस को रेफर कर रहा है, और फिर स्लैश गिटहब हाइफ़न वेबहॉक, तो ये होना चाहिए आपका पेलोड यूआरएल। अब आप ये पेलोड का ये कब डिलीवर होता है, तभी होता है जब आपकी ये स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेट है वो है जस्ट द पुश इवेंट, मतलब कि आप जब भी कोड को पुश करें तब वो डिटेक्ट होगा और फिर उसको बताएगा और फिर वो बिल ट्रिगर होगी। पर अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, सेंड मी एनी एवरीथिंग कर सकते हैं, या फिर आप लेट मी सिलेक्ट इन इंडिविजुअल इवेंट्स कर सकते हैं। इसमें आप कमिट कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर चेक स्विच करें, ब्रांच टैग क्रिएशन करें, डिप्लॉयिंग कीज करें, विकी करें, फोक करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग बस जस्ट पुश इवेंट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे वेबहुक को। अब राइट नाउ ये ग्रे है, इसका मतलब वो अभी कर रहा है, ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी वेट करेंगे हम लोग इसको ग्रीन होने के लिए। तो हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, तो जब ये ग्रीन टिक मार्क आ जाता है तभी हम लोग को पता चलता है कि वो डिलीवरी सक्सेसफुली और वो इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है जेंकिंस से। तो आप तभी आगे जाइएगा जब आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क मिले। फिर हम लोग बिल्ड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो बिल्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली हम लोग हर चीज डिफाइन कर देंगे बिल्ड में क्या होगा। हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, वो है डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट्स। अगर आप ये बिल्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपका पुराना वर्कस्पेस है वो शायद कन्फ्लिक्ट कर जाए आपके नए आइटम्स के साथ। तो हम लोग इसको डिलीट वर्कस्पेस करेंगे तो वर्कस्पेस को हमेशा क्लीन करेगा और फिर उसी के अंदर काम करेगा। फिर दूसरे ऑप्शन हैं, सीक्रेट टेक्स्ट डालना चाहें, या फिर अगर बिल्ड को अबोर्ट करें अगर वो स्टक हो गया है, या ऐड टाइम स्टैम्प करें कंसोल आउटपुट पे, वो कर सकते हैं हम लोग ऐड टाइम स्टैम्प कर देंगे। और फिर हम लोग इंस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हैं ग्रेडल के साथ या फिर एंड के साथ। तो ये बिल्ड एनवायरमेंट हम लोग कन्फिगर हो गया। अब हम लोग जाके बिल्ड स्टेप ऐड करेंगे। तो बिल्ड स्टेप ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड बिल्ड स्टेप कीजिए और फिर से मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम लोग क्या चूज करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट शेल करेंगे। तो शेल में हम लोग शेल कमांड यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना लिखेंगे कि क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना अपने कमांड्स लिखना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कमांड लिखेंगे वो हम लोग को जानने के लिए एक मिनट कोड को देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये हम लोग, ये हम लोग का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। अगर मैं आपको डॉकर फाइल खोल के दिखाऊँ तो वो बेसिकली क्या बताता है कि फ्रॉम इंजन एक्स एल्पाइन यूज़ करेंगे और फिर जो इंडेक्स एच टी एम एल है वो हम लोग ने जो बनाया है अपनी डायरेक्टरी में उसको कॉपी करके ये वाले डायरेक्टरी में डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपना कंटेनर चलाएंगे तो वो इंजन एक्स का कंटेनर चलेगा, उसके अंदर हम लोग अपना कोड कॉपी कर चुके होंगे उस कंटेनर के अंदर, और वो ऐसी जगह कॉपी कर चुके होंगे जहाँ पे रखने से कोई भी फाइल को वो इंजन एक्स के साथ चल जाती है। तो बेसिकली हम लोग का डॉकर फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक साथ में हो गया है। अब इसके साथ क्या करना है, बेसिकली अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग कोड पुल करेंगे उसको हम लोग डॉकराइज करेंगे, मतलब कि उसका कंटेनर बनाएंगे और उसको एज ए वेबसाइट की तरह लॉन्च करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड शेल में क्या करेंगे, हम लोग एको कमांड यूज करेंगे और एको के साथ हम लोग कुछ लिख देंगे, मतलब कि लिख देते हैं कि बिल्डिंग अ कंटेनर।
तो ये एक कमांड बन जाता है, ये बेसिकली आपका प्रिंट स्टेटमेंट हो जाता है। फिर हम लोग जाके लिखेंगे कमांड सूडो एप्ट अपडेट। इससे क्या करेगा, इस कमांड से हम लोग बेसिकली अपने एजेंट वन को अपडेट करेंगे। हम लोग अपडेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस पे डॉकर का इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो sudo apt install docker.io-y, तो वो ऑटोमेटिकली येस कर जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे बिल्ड कमांड, क्योंकि हम लोग डॉकर फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डॉकर बिल्ड कमांड यूज़ करेंगे, डॉकर बिल्ड -t। इसका नाम देंगे माई इमेज, और फिर हम लोग यहाँ पे डॉट लिखेंगे और फिर एंटर दबाऊंगा, और फिर हम लोग इस इमेज को रन करेंगे। तो sudo docker run -it -d -name my container, और फिर हम लोग इमेज का नाम रखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे 8080 पे। तो इससे हम लोग का जो वो है वो 8080 पे पब्लिश हो जाएगा, और फिर हम लोग माई इमेज यूज़ करेंगे, इमेज की जो हमारी इमेज रहेगी रेफरेंस माई इमेज को करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये बेसिकली हमारा सारे कमांड्स हो गए यहाँ पे। अब क्या करना है, बेसिकली इसको सेव करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा ऑटोमेटेड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो चालू हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये चालू हो रहा है, ये टाइम वाइम है इसका, ये दिखाता है कि आपका कॉन्सोल आउटपुट अभी है। तो ये जब रेड हो जाता है इसका मतलब आपका बिल्ड जो है वो फेल हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे को कॉन्सोल आउटपुट दिखाएगा और मेरे को बताएगा कि ये फेल क्यों हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनेबल टू, ओके सीम्स लाइक देयर इज अ इशू विद आवर बिल्ड, सो लेट्स जस्ट गो बैक टू टेस्ट प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो अहेड एंड कॉन्फिगर आवर बिल्ड, कॉन्फिगर इट, लेट्स सी व्हाट द इशू इज। अगर इसको इन प्रोग्रेस देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी क्या किया है, ये अभी चल रहा है रिमोटली एजेंट वन पे, और इसने हमारी रिपोजिटरी को क्लोन कर दिया है। क्लोन करके इसने सारे प्रोसेसेस को रन कर रहा है, जैसे कि इसने अभी जो रिपोजिटरी उसको अपडेट किया है, और फिर डॉकर को डाउनलोड कर रहा है सिस्टम पे, फिर वो उसने डॉकर की इमेज को बिल्ड किया, फिर इंजिनक्स को इसने इमेज को डाउनलोड किया, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये उसने पूरी इमेज को बनाया, और इमेज को बनाने के बाद उसने इमेज को रन किया और फिर ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोगों ने इमेज को एक्सपोज किया था पोर्ट 80 पे, तो चलिए हम लोग एजेंट वन का पोर्ट 80 पे खोलते हैं इसको। तो मैं इसका आईपी लूंगा, एजेंट वन को फिर से क्लिक करता हूँ, इसका आईपी उठाता हूँ और इसको पोर्ट 80 पे जाएंगे। पोर्ट 80 मतलब डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया है एक ऑटोमेटेड प्रोसेस में। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है, मतलब कि यहाँ पे तो हम लोग का आके बिल्ड नाउ करना पड़ा ना, अब ये कब होगा कि वो अपने आप ही बिल्ड हो जाए। तो वो देखने के लिए हम लोग इस पे कोड को पुश करते हैं, नए कोड को। तो मैं यहाँ पे अपना फोल्डर खोल लेता हूँ, ये रहा मेरा फोल्डर जहां से मैंने पुश किया। मैं यहाँ पे गिट बैश करूंगा, और अगर एलएस करेंगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स हैं। तो चलिए हम लोग index.html को फिर से एडिट करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके डाल देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन रख देंगे, फिर मैं इसको सेव करूँगा, फिर एग्जिट करूँगा, फिर मैं इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करूँगा, स्टेज करूँगा, स्टेज करने के बाद मैं कमिट करूँगा, मैं यहाँ पे मैसेज डालूँगा, और फिर मैं एंटर दबाऊंगा, फिर मैं इसको जाके ओरिजिन पे पुश कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर।
तो इसने पुश कर दिया है, अब हम लोग वापस आएंगे और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेंडिंग बिल्ड बिल्ड है जो अभी स्टार्ट होने वाली है, और इसमें हम लोग को बिल ना बिल्कुल नहीं दबाना पड़ा, वो अपने आप ही चालू हो गई और इसने एरर दिखा दिया, पर वो अपने आप हो गई। आप कंसोल आउटपुट कंसोल पे जाके देख सकते हैं कि आपका एरर क्या था। तो यहाँ पे जो एरर है वो बेसिकली बता रहा है कि माय कंटेनर ऑलरेडी यूज़ में है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एजेंट पे है उस पर हमारा ऑलरेडी माय कंटेनर जो था वो चल रहा था, तो उसके नाम से एक और कंटेनर नहीं चला पाया इसलिए एरर आ गया। जो ये जो हमारा एजेंट है इसको हम लोग डुप्लीकेट खोलेंगे और इसमें हमारा जो कंटेनर है उसको रिमूव कर देंगे। अगर मैं डॉकर पीएस करूं तो यहाँ पे हमारा कंटेनर है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो हमने इसको कंटेनर को हटा दिया, अब चलिए फिर से कोशिश करते हैं। मैं स्टेज करूंगा, कमिट करूंगा, फिर मैं इसको जाके पुश करूंगा ओरिजिन पे। अब ये पुश हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे तो अगर टेस्ट प्रोजेक्ट पे वापस आएंगे तो देखेंगे एक फोर्थ बिल्ड है वो पेंडिंग में है और वो अभी चल रहा है, अभी चलना चालू हो गया। हम लोग इसका कंसोल आउटपुट देखें तो ये दिखा रहा है फिनिश्ड सक्सेसफुल। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तब देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो बेसिकली अपडेट हो गया है। तो देखिए ये कितना सिंपल है और पूरा का पूरा इसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। अब चलिए मैं आप लोगों को पाइपलाइन के बारे में बताता हूँ, जेंकिंस के पाइपलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया कैसे क्या है, अब जाके हम लोग एक क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करूँगा डैशबोर्ड पे आके, तो यहाँ पे मैं टेस्ट पाइपलाइन लिखता हूँ और हम लोग पाइपलाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं ओके को लिखूंगा, ओके को प्रेस करूंगा। अब ओके को प्रेस करने के बाद हम लोग को खूब सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि दिस इज माई न्यू पाइपलाइन, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी राइट नाउ, हम लोग गिटहब प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा फिर यहाँ पे डाल दूँगा, फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर्स हम लोग इसको भी गिटहब हुक ट्रिगर SCM कर देते हैं और हम लोग और कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए, इसी को ये यही रहने देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइपलाइन स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट आपकी बेसिकली जेंकिंस फाइल हो गई, तो आप जेंकिंस फाइल यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप अपने एक डॉकर उसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे जेंकिंस फाइल को लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही अपने कोड के साथ उसको अपलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, पाइपलाइन स्क्रिप्ट विद SCM। तो आपको SCM मेंशन करना रहेगा और वो सब मेंशन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं पहले, और डायरेक्ट करने के बाद हम लोग पाइपलाइन के वो SCM के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना कोड उठा लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा पाइपलाइन कोड। तो मैं यहाँ वापस आऊँगा, पेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा पाइपलाइन में क्या हो रहा है। तो यहाँ जो पाइपलाइन है आप देख सकते हैं, पाइपलाइन के अंदर मैंने लिखा है एजेंट एनी, तो इसका मतलब कोई भी एजेंट को यूज़ कर लेगा। फिर स्टेजेस के अंदर हमारे पास खूब सारे स्टेजेस हैं, सबसे पहला बिल्डिंग स्टेज हो गया, फिर आर्टिफैक्ट आर्काइविंग, फिर टेस्टिंग स्टेज, फिर स्टेजिंग स्टेज और फिर डिप्लॉयमेंट स्टेज। तो ये खूब सारे स्टेजेस हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल एको कमांड्स डाल दिए ये सिमुलेट करने के लिए, ये सब चल रहा है। और मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूँ बाकी सारी चीज़ें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे और फिर इसको बिल्ड नाउ कर देते हैं। तो ये दिखाएगा यहाँ पे स्टेज व्यू है, तो आपको अब दिखेगा कि स्टेज व्यू कैसा दिखता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज व्यू ऐसा कुछ दिखता है, आपके खूब सारे स्टेजेस रहेंगे, फिर आपको दिखाएगा कि एवरेज टाइम कितना लगा हर स्टेज के अंदर, और फिर आपको दिखाएगा कि कोई इश्यूज या कोई एरर्स तो नहीं आए। तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सक्सेस दिखा रहा है, और फिर आप लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। लॉग्स में दिखाएगा कि दिस कोड विल नाउ बी बिल्ट, ये हम लोग का एको स्टेटमेंट था। फिर सिमिलरली थोड़ा क्लिची हो गया, आपके बाकी सारे उसका भी रहेगा,
आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा। अगर आप चाहें तो इनका भी कॉन्सोल आउटपुट देख सकते हैं, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस बॉल पे, फिर आपको सारे के सारे कॉन्सोल आउटपुट भी दिख जाएंगे। तो हमारे सारे कमांड जैसे कि ये कोड रन होगा आर्टिफैक्ट में, ये आर्टिफैक्ट अपलोड होगा आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में, ये आर्टिफैक्ट टेस्ट होगा, ये आर्टिफैक्ट अब स्टेज होगा, और ये आर्टिफैक्ट अब डिप्लॉय होगा, और फिर ये सक्सेस दिखा रहा है। और अगर अब हम लोग चाहें कि ये SCM से हो डायरेक्टली, अकेले नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो मैं टेस्ट पाइपलाइन वापस आऊँगा, हम लोग इसको कन्फिगर फिर से करेंगे, और फिर मैं यहाँ पे स्क्रोल करूँगा, हम लोग पाइपलाइन स्क्रिप्ट से पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM करेंगे। तो मैं यहाँ पे गिट लिखूँगा, और फिर स्क्रिप्ट का URL हम लोग को देना होगा, वो बेसिकली यही URL है, और हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। आपके इस फाइल का नाम Jenkins फाइल होना चाहिए, विद J जो कैपिटल है। अब हम लोग फिर से बिल्ड नाउ करते हैं, तो आप देखेंगे एक एक करके हो रहा है। सबसे पहले वो डिक्लेरेटिव चेकआउट SCM करेगा, मतलब वो SCM को चेकआउट करेगा, ढूंढेगा Jenkins फाइल को, और Jenkins फाइल के साथ वो फिर बाकी की पूरी पाइपलाइन को करेगा डिप्लॉय और प्रोसेस बिल्ड करेगा। तो ये हो गया आपका पाइपलाइन Jenkins के अंदर। हम लोग एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, वो है कि हम लोग यहाँ से कोड को फिर से एडिट करते हैं। और हम लोग फिर क्या करेंगे, गेट एड कमिट, गेट पुश करेंगे, ये अब पुश हो गया है। अब हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक थर्ड बिल्ड चालू हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐसे कॉन्फ़िगर किया था कि वो हर समय चालू हो जाए जब कोई भी कोड पुश हो। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा चालू कर दिया है, और ये सक्सेसफुल भी हो गया है। तो आपका हो गया नंबर 3 बिल। आप इसका कॉन्सोल आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दिखाएगा कि स्टार्टेड गेट हो पुश बाय दिस यूजर, ऑब्टेन्ड Jenkins फाइल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर URL, रनिंग इन ड्यूरेबिलिटी लेवल मैक्सिमम सर्वाइवेबिलिटी, रनिंग ऑन Jenkins, ये आपका वर्किंग स्पेस हो गया। फिर उस गेट को क्लोन करता है रिपोजिटरी को, और फिर वो बाकी की पाइपलाइन को चलाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक Jenkins का पाइपलाइन क्रिएट करना और ऑटोमेटिक क्रिएशन भी होना। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आई इसको बनाने में, और आई होप कि आप लोगों को इसको बहुत मजा आई सुनने में। और फिर से दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे ग्रेट लर्निंग एकेडमी में रजिस्टर कीजिए कोई भी कोर्स के लिए, वो कम्प्लीटली फ्री है, और एक सर्टिफिकेट पाइए, और आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।